गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों, अभ्यास 22 का 22 में गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ये आज मैं समझाने जा रही हूँ। ल स प, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ल स प कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्ती। सबसे पहले नंबर दिया है, पहला सवाल है 24, 36 और 60। तो लिखेंगे 24, 36 और 60, और इसको इस तरह हम लाइन खींचते हैं। सबसे पहले बच्चों, छोटे नंबर से भाग दिया जाता है इन तीनों संख्या में। सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 से हम इन तीनों में भाग देंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 36 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 होते हैं ना। फिर 2 से हम 60 को काटेंगे तो 2 3 6 और 0 की 0 0, 30 दूनी 60, है ना। फिर अब ये 2 से फिर करना है, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ 2 5 10। फिर अब ये 2 से कट रहा कोई संख्या तो ये कट रहा है, तो 2 3 6, इस तरह देख लेना चाहिए कि यदि 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटना है, लेकिन 2 से यदि 6 कट रहा है तो पहले 2 से 6 को हम काटेंगे। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते इसलिए ऐसा कैसा उतार लेंगे, और 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आते इसलिए हम ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 2 के पहाड़े में तीनों संख्याएं नहीं आती है इसलिए हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 3 5 15। फिर 3 से करेंगे 1 की 1, 3 एकम 3 और 5 तो आते नहीं है 3 के पहाड़े में, तो हम 5 का 5 उतार लेंगे। अब 5 के पहाड़े में सीधे 5 को काटेंगे, 1 1 1, 5 एकम 5। तब तक हम ये नंबर काटेंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 1 नहीं बचता है। अब ये उतारना है, 2 2 कितने बार है, 1 2 3 2 2, ठीक है। 3 कितने बार है, 2 बार, और 5 1 बार। इसका हम गुणा करेंगे, इसका पाढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, है ना। 4 आया, 4 का पाढ़ा 2 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 का पाढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 24, 24 का पाढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। आपको नहीं आता है तो गुणा करेंगे, 24 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, आंसर कितना आया, 360। ल स प बराबर 360, ओके। अब दूसरा सवाल है, इसी का ऐसे रफ को इस तरह कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल है 80, 90 और 120, इसी तरह उतारेंगे 80, 90 और 120। सबसे पहले छोटा नंबर से करेंगे, छोटा नंबर कौन सा है, 2, ऐसे लाइन खींच लो। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 0 की 0 0, 2 का भाग 90 में देंगे तो 2 चौक 8, 8 आया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, हाँ 2 5 10, 45 दूनी 90 होते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 0 की 0 0, 2 से 40 कट रहा है 20 बार में, 20 दूनी 40 होते हैं। 2 से यदि हम 45 को भाग देते तो नहीं जाता है इसलिए हम ऐसे कैसा उतार लेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आते हैं, 0 की 0 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 की 0 0, 45 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा, 1 2 5 10, 15 दूनी 45। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 45 और 15। अब 2 से ये तीनों नंबर नहीं कट रहे इसलिए 3 से काटेंगे, 5 3 31 3 5 15 और 15। फिर 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 5 15 और 5। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 1 5 5 1
5। अब इन तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दो कितने बार में आए, 1, 2, 3, 4। 2 × 2 × 2 × 2 और 3 कितने बार में आए, 2 बार। 3, 3, 5 एक बार में। 2 का पाड़ा 2 बार, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 का पाड़ा 3 बार, 16 × 32 = 48, 48 × 3, 3 × 8 = 24, 4 + 2 = 12, 13 + 14 = 144, 5, 5 × 20, 2 × 14 = 70 और 2 = 72, 720। ल स प बराबर 720, बराबर 720 आंसर। थैंक यू।